सभी यशो प्रेमियों को नमस्कार। मैं श्रवण कुमार मीणा और आज मैं आपको लेके आया हूँ यशो की ढाणी जो जयपुर में पड़ती है। और मैं आपको बता दूँ कि जो देवली लाइन है, पूरे वर्ल्ड में फेमस देवली लाइन, वो यहीं से निकली हुई है। और लक्ष्मण सिंह जी यादव है इनके यहाँ के ओनर, और लक्ष्मण स्टेट फार्म के नाम से ये फार्म हाउस है। और ये जयपुर से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आज मुझे यहाँ पे विज़िट करने का मौका मिला है, तो हम बात करते हैं इनके ओनर से, लक्ष्मण सिंह जी से, और जानेंगे देवली लाइन के बारे में। जो आप सभी को पता है देवली लाइन बहुत ही फेमस है, तो उसी के बारे में हम आज लक्ष्मण सिंह जी से बात करेंगे। तो आप बने रहे वीडियो के साथ, और इसके बाद मैं आपको इनके हॉर्स भी दिखाऊँगा और बताऊँगा पूरी डिटेल के तरह, पूरी डिटेल से, कि देवली लाइन कहाँ पैदा हुई थी और उनके सबसे बेस्ट बेस्ट घोड़े कहाँ गए थे। हाँ जी साहब नमस्कार। नमस्कार, पास में आता हूँ आप। हाँ आ जाओ आ जाओ, कैसे हो आप? हाँ बिल्कुल सही हूँ। बिल्कुल सही हो, तबीयत पानी ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे गाँव में कोई कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी तो कोरोना का चल रहा है। अमन शांति राम का राज है यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नाम बताइए पहले तो। आप मेरा नाम तो लक्ष्मण सिंह है यादव हूँ। लक्ष्मण सिंह जी यादव। हाँ। अच्छा, ये जो जगह है आपका स्टेट फार्म किस नाम से है? लक्ष्मण सिंह स्टेट फार्म। अच्छा, इसी नाम से। हाँ। कौन सी जगह है ये? ये व्यासों की ढाणी है। व्यासों नाम तो व्यासों की ढाणी है। हाँ हाँ। वैसे ये गांव रेवेन्यू रिकॉर्ड में सटोदा हो गया। अच्छा अच्छा, व्यासों की ढाणी के नाम से जाना जाता है। हाँ। अच्छा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो काफी है, 47 का जन्म है मेरा, देख लो। 47 का जन्म है। हाँ। अच्छा, तो आपके पास जो जानवर है सारे देवली लाइन के? हाँ, टोटल देवली लाइन है, दूसरी लाइन नहीं रखते। दूसरी लाइन के नहीं रखते हो? अच्छा अच्छा, तो अभी कितने जानवर होंगे करीब करीब? अभी तो 13 जानवर है। अच्छा, टोटल मिला के। हाँ। अच्छा, तो देवली लाइन के बारे में जरा बताइए मुझे कि कब से इसका जन्म हुआ था देवली लाइन का, और कहाँ, यहीं पे हुआ था ना आपके यहीं पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देवली लाइन का ऐसे हुआ है कि ये पाली जिले में एक गांव है जिसका नाम है देवली। अच्छा, तो देवली ठाकुर साहब के स्टेट फार्म के ऊपर ये बच्ची पैदा हुई। अच्छा, वो अच्छी हुई, कोई 67 इंच ऊंची। अच्छा, वहाँ पे पैदा हुई थी? वहाँ हुई, पाली जिले की बात है। अच्छा अच्छा, फिर उनके वहाँ ही उसने ठान दिया जो एक पहले बच्ची हुई उसका नाम जय कीर्ति हुआ। अच्छा, वो तो चली गई उदयपुर अरविंद सिंह जी के स्टेट फार्म में। ठीक है साहब, फिर वो गोली क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ जो उसके आगे से सीना थोड़ा कट गया उसका। अच्छा, फिर उन्होंने, ये इनके रिश्तेदार ही थे अपने हमारे पास, मंडा भीम सिंह पास में है 30 किलोमीटर यहाँ से, मंडा भीम सिंह। हाँ, जो उनके ठाकुर थे, बड़े सज्जन आदमी थे, विष्णु सिंह जी। ओके, तो वो ले आए उसको। अच्छा, उस घोड़ी को? उस घोड़ी को वो ले आए। ठीक है, और वो तैयार हो गई घोड़ी। फिर इनके पास एक घोड़ा था, बहुत बढ़िया घोड़ा था, तो वो घोड़ा आया था अपने यहाँ से, सावर से आया था, केकड़ी के पास सावर। सावर, उस घोड़े का नाम क्या है? घोड़े का नाम था बब्बू। बब्बू, बब्बू। अच्छा अच्छा, और वो क्या था, पुष्कर मेले में कम से कम 5-7 साल तक लगातार चैंपियन रहा वो। कब की बात है वो? ये बात है 1919 के पहले की बातें हैं सर। 1919 से पहले की बातें? 99 के पहले की बातें। अच्छा अच्छा, 99 के? 1999। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, पहले की बात है, इस कोई बात की नहीं। तब वो चैंपियन था 5 बार? इसके पहले 5 बार चैंपियन रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस घोड़े से वो क्रॉस हुई नहीं, उसकी 2 बच्चियां तो मैं ले आया। अच्छा, आप लेके आए थे? उनके पास उन दिनों काफी जानवर थे विष्णु सिंह जी के पास। अच्छा, तो उस घोड़ी के 4 बच्चियां पैदा हुई। ओके, एक का नाम हुआ शिव प्यारी, दूसरी का हुआ तेजरू, तीसरी का छोटी तेजरू, और चौथी हुई एक बार लेली। अच्छा, तो शिव प्यारी तो फिर उन्होंने वो क्या कहा कि उनके पास थी, उन्होंने बेच दी, जो वो चली गई ढूंढ लो बोनी बना के पास। अच्छा, और जो 2 बच्चियां रही जो मैं लेके आया था वो दोनों मेरे पास रही। अच्छा अच्छा, और वो जो चौथी वाली थी ना लेली, वो उन्होंने उनके खुद के पास रही। अच्छा, उसके पास लेके फिर वो मेरे पास लास्ट में, फिर मैं उसको भी ले आया था लेली को। अच्छा, भी उसको, लेली को भी ले, उसको भी आप ले आए मतलब? हाँ, उसको बाद ले आया था। अच्छा अच्छा, तो उन घोड़ी को क्रॉस कराने के लिए मेरे पास एक ईश्वर की मर्जी थी, जो बरकाना ठाकुर साहब पाली के पास। बरकाना ठाकुर साहब? हाँ, ठीक है, सुल्तान सिंह जी। अच्छा, वैसे वो रानी के एक दो दफा प्रधान भी रहे, बहुत सज्जन आदमी, बहुत लायक आदमी रहे। उनके पास 2 घोड़े थे। अच्छा,
तो वो जो बड़ा घोड़ा था ना वो हंसराज, वो तो उनके पास रह गया। और ये दूसरा उनकी मेहरबानी होगी तो कन्हैया नाम का घोड़ा उन्होंने हमको बेच दिया। कन्हैया नाम का? कन्हैया। अच्छा, हंसराज तो उनके पास रह गया। रह गया। अच्छा, और कन्हैया प्रभात का फादर है। प्रभात का फादर? हाँ। अच्छा, वो हम ले आए उनसे उस घोड़े को। हाँ ठीक है। तो वो घोड़ा अभी प्रेजेंट टाइम फिर नहीं, वो प्रेजेंट कहाँ रहेगा, वो फिर 2002 में लेके आया। अच्छा, 2002 में लेके आया। 2010 तक मेरे पास जिंदा रहा वो, फिर वो यहीं छूट गया। अच्छा, आपके यहीं पे खत्म हुआ लास्ट हुआ वो, जो मतलब प्रभात घोड़े का फादर है। हाँ। फिर वो जो मेरे पास जो घोड़ी थी ना बड़ी बड़ी तेज रूप, उसकी बच्चियां जो पैदा हुई ना, सबसे बड़ी बेटी तो एक हुई जिसका नाम हुआ मान। ठीक है। वो तो चली गई अहमदाबाद महेश पटेल के पास। अच्छा, अहमदाबाद। हाँ। फिर दूसरी घोड़ी हुई उसके गणगौर, वो गणगौर फिर मेरे पास रही। गणगौर से फिर वो जो कन्हैया सा क्रॉस कराया ना हमने, उसका वो प्रभात हुआ, प्रभात घोड़ा। हाँ, जो अभी वो सवाई सिंह जी के पास ले गए वो। अच्छा अच्छा। वो गणगौर सवाई सिंह जी के पास चली गई, फिर वो प्रभात वही उन्हीं के पैदा हुआ, यहीं से हमारी यहीं से ब्रीड है वो, मतलब यहाँ से घोड़ी प्रेग्नेंट होके गई थी वो घोड़ी। अच्छा, वहाँ जन्म हुआ प्रभात घोड़े का। फिर वो उसी घोड़े का बच्चा था क्या, वो कन्हैया का? कन्हैया का ही। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। और फिर और घोड़ियाँ भी काफ़ी हुई, फिर उसके बाद अभी मेरे पास उससे तेज रूप की बच्चियाँ अब भी हैं, फिर उनकी बेटियाँ हो गई, फिर और हो गई और हो गई ऐसे। कन्हैया से एक रोज कराया हमने सभी जानवरों को। अच्छा अच्छा। तो वो जो वो घोड़ी गई थी वहाँ पे रणसी गांव में, वो कब की बात है? ये बात है मेरे हिसाब से 2004 की, 4 या 5 की, इसके 20 की हुई। अच्छा, तो वो कौन लेके गया था आपसे यहाँ से? मेरे हिसाब से सवाई सिंह जी ले गए थे, वो पूरी बात करे, वो पूछते कोई भी ले जाए, वो तो सवाई सिंह के पास पहुंच गई वो। खैर बात, सही बात। सवाई सिंह जी के पास वही नहीं पहुंची, एक तो पहुंच गई गणगौर, और ये वो छोटी छोटी मतलब लेली वो भी पहुंच गई। अच्छा, वो भी वहाँ चले। बीच की घोड़ी और थी जिसका नाम गजकामला, आजकल शायद लेली मेरे हिसाब से अमनदीप सिंह गिल के पास है मोगा में। उन्होंने उसका नाम बदल लिया? नहीं बदला नहीं, लेली है उसका नाम। लेली लेली नाम है शायद, मेरा अंदेशा है, अमनदीप सिंह गिल के पास में है वहाँ पे मोगा में। पटेदार कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, अपन को पता नहीं क्या कर लिया उन्होंने उसका नाम। फिर वो दोनों तीन घोड़ियाँ चली गई उनके पास, एक तो थी गजकामनी बेटी तेज रूप की, वो भी चली गई, और वो भी तीन घोड़ी चली गई उनके पास। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई फेमस घोड़ा या घोड़ी उसकी, वो जो कन्हैया घोड़ा था उसकी? कन्हैया घोड़ा की तो फिर ये बच्चियाँ हमारे हुई ना। अच्छा, आपके यहीं हमारे पास उसी की बेटियाँ हैं, बेटियों की बेटियाँ हैं। अच्छा अच्छा। ऐसे पूरी बेटियां थी उनको क्रॉस कराने के लिए हमारे पास और घोड़े थे एक दो अच्छे। अच्छा, उनसे क्रॉस करवाया, फिर उसकी जो बेटियां हुई ना उनसे दूसरे घोड़े से क्रॉस करवाया। अच्छा, तो कन्हैया के कितने घोड़े हैं आपके पास यहाँ पे? ये तो फिर क्या हुआ कि एक कन्हैया का घोड़ा और था। अच्छा। हमारे पास ये दूसरी घोड़ी और थी जो आजकल वो भूपेंद्र जी के पास खड़ी है अपनी पाली के पास, पाली के पास। ठीक। उसका बच्चा है हमारे पास ये इधर खड़ा। अच्छा अच्छा। इसका नाम करणी बक्स है, करणी बक्स आजकल इसी से क्रॉस कराते हैं। वैसे ये कन्हैया का बेटा ही है लेकिन दूसरी ब्लड लाइन का है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये घोड़ियाँ तो क्या है जी, मैं बताऊँ आपको, 92 में ये कन्हैया घोड़ा था ना, तो दिल्ली कटल से हम फर्स्ट आया था। अच्छा, कन्हैया घोड़ा। हाँ। और उसके बाद फिर हमारे पास आ गया 92 के बाद, फिर हमने इसको डेवलप किया, 30 साल हो गए लगभग, 28 साल हो गए इसको डेवलप करते। तो बीच में कई जानवर इधर उधर बेच भी दिए, एक घोड़ा बेचा हमने उधर अहमदाबाद में जिसका नाम शक्ति है। अच्छा। वो आशीष अमीन के पास चला गया, वो भी बड़ा गजब का घोड़ा है। अच्छा। बहुत गजब का घोड़ा। अच्छा, उस घोड़े की कोई बेस्ट घोड़ी भी है कन्हैया की? कन्हैया की बेस्ट घोड़ी है न। अच्छा, क्या नाम है उसका और कहाँ है वो? ये खड़ी है राजकीर्ति है अंदर खड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ही के पास है मतलब? हाँ है ना वो। नहीं, यहाँ से निकली कोई घोड़ी बढ़िया यहाँ से जाने के बाद कन्हैया की? कन्हैया की कोई घोड़ी यहाँ से लेके हो? घोड़ियाँ थी वो ले गए, फिर 2-3 बछेरे भी गए उनके। अच्छा अच्छा। ये बछेरे छूट भी गए वैसे। अच्छा। सबको नहीं बेचे हमने, ऐसे आदमी को नहीं दिया उनको, मतलब अच्छे आदमी को दिया, मतलब जो पाल सके अच्छे। कन्हैया की बच्ची तो अपनी उनके पास है मेरे हिसाब से, उन्हें पी प्रोड़ी के अंदर भी शक्ति बना, शक्ति प्रताप सिंह पास भी है, और ये बात है मान सिंह जी के पास कन्हैया के 2-3 बच्चे हैं, बच्चियां हैं उनके पास भी है। अच्छा, तो वो आपके यहीं से परचेज कर? हाँ, सर यहीं से घूम घूम के गए सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इतने सारे में काफी जानवर हो ही जाते हैं ऐसा ऐसा।
लंबी कहानी है जी, 28 साल पुरानी कहानी है। तो बताओ आप लंबी कहानी लंबी बता दो हमको, तो जितनी आपको पता है उतनी तो बताई दो। इस जांगर में विशेषता भी है साहब, आपको बताओ देवली लाइन में। हाँ क्या है विशेषता? इसकी विशेषता क्या है कि एक ये जांगर कभी लात नहीं मारता। अच्छा। कभी किसी आदमी हमला नहीं करता। अच्छा। कोई ऐब नहीं, कैसा ही घोड़ा हो आपको पकड़ के ले जाओ कुछ भी नहीं कहता। अच्छा। सवारी के इतने शाने हैं ये कि कभी किसी सवार गिराने की कोशिश नहीं करते। और पैर इनके देखो आप, देखते रहो दिन भर, इतने सुंदर पैर हैं देवली लाइन। हाँ देवली लाइन ये खासियत है, मतलब विशेषता है, विशेषता विशेषता हो गया। और आपको बताऊँ मेरे पास जो जो बड़ी घोड़ियाँ थी जो 28 साल रही मेरे पास, तो भी उनके पैर खराब नहीं हुए। जनरली घोड़े के नीचे पैर खराब हो जाते हैं। सही बात, मेन चीज तो पैर ही है बोलूंगा। तो ये देवली लाइन में कलर तो ये एक ही है ना यूनिक कलर का? इसका मेन कलर तो है जी ये, आप इसको चाहे महुआ कह दो, चाहे इसको कोको कोला कह दो, चाहे चेस्टनट कह दो, चेस्टनट कह दो। कलर ये एक ही है। अच्छा इसकी हाइट को लेकर बताओ आप, कितनी तक हाइट कर लेती है ये? देखो मेरे पास घोड़ी में वो 67 थी। अच्छा घोड़ी बड़ी बड़ी घोड़ी 67 थी, छोटी बहन थी वो 65 थी, और मुझे लेली थी वो 64 थी। अच्छा मतलब हाइट अच्छी कर लेती है, अच्छी हाइट थी। और घोड़ों में कितनी हाइट होती है इनमें? घोड़ों में ये है ना ये करनी बक्स, हाँ ये 64 है अभी। अच्छा आपके पास इसके और दूसरे घोड़े हुए हैं वो तो जैसे प्रभात से घोड़े हुए वो 67 भी हो गए, 68 भी हो गए। हाँ सही है, जो उनकी माए बड़ी मिल गई ना उनको, और ग्रोथ कर गए। एक घोड़ा और खड़ा है जो वो तो 68 है, वो बाहर घोड़ा है हमारा, बस दूसरी घोड़ी का था। वो अबलग से पैदा हुआ, वो अबलग से पैदा हुआ वो। अच्छा। तो वो तो इनके पैर बड़े मजबूत है, हाइट भी अच्छी पकड़ते हैं, सवारी के बड़े प्यारे, सवारी के और राइडिंग के भी अच्छे, बहुत अच्छे है राइडिंग के। सवार गिराने की कोशिश नहीं करते, अच्छा कभी लगाम पे जोर नहीं देते, कभी रस्सी पे जोर नहीं देते, कई विशेषता है इनमें, कभी लात नहीं मारते, फिर और क्या करेंगे? और क्या, इतना अच्छा जानवर है तो फिर तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वास्तव में है बहुत। हो गया यादव साहब?